हाल ही में बेंगलुरु से एक बड़ी ही शॉकिंग खबर सामने आई। जी हाँ, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर और शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर, जी हाँ, उन्हें डिटेन किया गया है बेंगलुरु में एक रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स कंज्यूम करते हुए संडे को रात को। जी हाँ, आपको बता दें कि कल रात से ये खबर हर तरफ वायरल हो चुकी है। सिद्धांत कपूर जो कि बहुत ही ज्यादा नोन माने जाते हैं, इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम है उनका, ऐसे में सिद्धांत कपूर का न सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करना बल्कि एक रेव पार्टी अटेंड करना अपने आप में एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बन गया है। इस मामले में पहली बार HT से बातचीत करते हुए शक्ति कपूर ने सामने आकर बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, चलिए आपको बताते हैं। शक्ति कपूर कई सालों से इंडस्ट्री में है, ऐसे में जब इस बारे में उनसे पूछा गया उनके बेटे की इस करतूत पर, तो शक्ति कहते हैं, आई एम इन मुंबई एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर, आई गॉट टू नो फ्रॉम न्यूज चैनल्स ओनली, ऑल आई नो As of now is that there is no arrest and Siddhant has only been detained. जी हाँ, इसी के साथ साथ आगे वो कहते हैं, Yes, he is a DJ, disco jockey and he plays at parties and that's what he was for in Bengaluru. I don't know where are all these reports coming from. I will talk to my son very soon and know the details. But I know this can't be true. जी हाँ, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, मैं जानता हूं कि ये सच नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए सिद्धांत की, तो आप उन्हें कई सारी फिल्म्स में देख चुके हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर आल्सो एंड एज एक्टर आल्सो। वेल, एक्टिंग की बात की जाए तो जज्बा, हसीना पारकर, चेहरे, इस तरह की कई सारी फिल्मों में वो अपना एक्टिंग का टैलेंट दिखा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए असिस्टेंट डायरेक्शन की, तो भागम भाग, चुप चुप के, भूल भुलैया जैसी फिल्मों में उन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। वेल, सिद्धांत की इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। हाँ, मागे फिर करना।